परमात्मा अपने भगत की भगती तो प्रसन्न होके भगत नूं दर्शन बख्शदे ने। परमात्मा ने पूछया कि मंग भगता की मंगदा है। भगत ने आख्या कि महाराज जिंदगी पैसे तो बगैर बड़ी दुखदाई है, इस करके रहमत करो कि जिंदगी दे अंदर कदी पैसे करके कमी ना आवे, कदी पैसे करके कोई कार्ज ना रुके, इतनी रहमत कर देनी। भगवान ने उस मनुख नो चार दीवे दिते गन ते आख्या है कि जदो जदो मायक पदार्थां दी लोड़ पवेगी, माया दी लोड़ पवेगी, इस दीवे नू बालना कह, ते जिथे जाके दीवा बुझ जावे उस थां नू पुटना कह, जो तेरी लोड़ होवेगी उस थां तो पूरी हो जावेगी। भगवान ने यह भी गल आखी है कि इन्हां नू चार दिशावां दे विच ले जाके बालना कह, पर एक चेतावनी भी दित्ती है, तीन दीवे बाल लई पर चौथा दीवा कदी ना बाली। भगत ने सत बचन आखे ने ते भगवान जी अलोप हो गए। भगत दे मन अंदर आया कि यह बिल्कुल सच है कि मैं कोई सुपना ते नहीं देखदा। उन्हें भगवान दे दित्ते हुए चार दीवे जेड़े सन उन्हां चारां दीवियां दे विचों एक दीवा बालिया ते भगवान दे कहे अनुसार वह उत्तर दिशा दे वल तुर पिया। उत्तर दिशा दे वल जाके जिथे जा दीवा बुझदा कै वह भगत उस थां नूं पुटना शुरू कर दिंदा कै। उहदे विचों काफ़ी सारे पैसे निकलदे ने। उन्हां पैसियां नूं देख के भगत दे मन अंदर लोभ लालच पैदा हो जांदा कै। उन्हें आख्या कि यह पैसे तो किते जाने नहीं, इन्हां नूं इत्थे दब दिंदा कां ते इत्थों आके बाद दे विच प्राप्त कर लैंदा कां। उन्हें दूजा दीवा बालिया कै ते हुण दक्षण दिशा दे वल रुख कीता कै। दक्षण दिशा दे वल जांदे जांदे जिथे दीवा बुझ गया कै उन्हें उस थां नूं पुटना शुरू किया ते उस थां दे विचों अज चांदी दियां मोहरां निकलियां ने। उन्हां मोहरां नूं देख के भगत बड़ा प्रसन्न होया। फिर मन अंदर विचार आई, पहले दे अंदर कुछ रुपये निकले, दूजी थां नूं पुटिया ते चांदी दे रुपये निकले ने, हुण तीजी थां जाके वेखदा हां की निकलदा कै। उन्हें तीजा दीवा बालिया गया ते पछम दिशा दे वल तुर पिया। जिथे जाके दीवा बुझया गया उन्हें उस थां नूं पुटिया ते पुट के की देखदा गया, उस थां दे विचों सोने दियां मोहरां निकलदियां ने। सोने दियां मोहरां देख के वह भगत बड़ा लोभी लालची हो जाता है। फिर उहदे मन अंदर यह विचार आउंदी है कि जे इत्थे सोने दियां मोहरां ने इहदा मतलब कि चौथा दीवा जिहड़ा पूर्व दिशा दे वल जाके बालना है उहदे विचों हीरे जवरात निकलणगे। उन्हें मन अंदर विचार किते, उन्हें उस माया नूं भी उत्थे ही छड्ड दिता ते अगे चौथा दीवा बाल के ते तुर पिया। पूर्व दिशा दे वल तुरदा जा रहा है ते अज एक बहुत वड्डे महल दे अगे जाके वह दीवा बुझ गया। भगत ने मन दे विच सोचिया कि मना रब ने आख्या सी का चौथा दीवा नहीं बालना, हुण पता चलिया रब ने क्यों आख्या सी चौथा दीवा नहीं बालना। यह रब अपने जोगा महल रखना चाहुंदा सी, मैनू देना नहीं सी चाहुंदा, इस करके उन्हें आख्या सी कि चौथा दीवा ना बाली। जरूर इस महल दे अंदर बहुत सारे हीरे मोती पए होणगे, इसे करके इन्हां ने मैनू यह दीवा बालन तो मना किया। लोभ लालच नूं भरिया होया वह भगत जदों महलां दे अंदर वड़दा गया ते की वेखदा गया, महल बहुत वड्डे ने पर अंदर कोई भी शख्स नहीं। लभदा लभदा बिल्कुल अखीर दे महलां दे विच पहुंच जांदा कै ते की देखदा है, एक बहुत बजुर्ग इंसान
चक्की चला रहा के ए बाहर खड़ा आवाज दिंदा के पर ओ इंसान आखदा जो भी कुछ कहना है तू मेरे कोल आके कह। भगत लोभ लालच दे विच मारिया होया उस इंसान दे कोल जांदा के जो चक्की चला रहा के। भगत जी ने आख्या कि ए सब कुछ किस तरह इत्थे बनिया के। उस इंसान ने आख्या मैं तेरी एक एक गल दा जवाब देवांगा पर सवाल ए है कि ए चक्की चलदी रहनी चाहीदी है इस करके तू मेरी थां दे उत्ते बह जा चक्की चला ते मैं तेरे गल दा जवाब दिना का। ओ लोभी इंसान चक्की नू चलाउण दे लई बैठ गया। बजुर्ग बेचारा उठिया ते उठ के कहन लगा मेरी एक गल ध्यान नाल सुनी ए चक्की बंद ना करी चक्की चलेगी ते महल सारा खड़ा कै जे चक्की चलनी बंद हो गई ते सारा महल तेरे उत्ते आके डिग जावेगा हुण चक्की नू बंद ना करी मैं चलिया हाँ। उन्हें आख्या कहन लगे मैनू एक गल दा जवाब दे। बजुर्ग ने पूछा कि दस केड़ी गल दा जवाब तू मेरे तो चाहना कै। उस भगत ने पूछा कि कदों तक मैं चक्की नू गेड़दा रहांगा ते भगत दे इस सवाल दा जवाब उस बजुर्ग ने दिता कि जदों तक तेरे वर्गा लोभी होर इस थां दे उत्ते नहीं आ जांदा उदों तक तैनू ये चक्की गेड़नी पवेगी। ते साहब दी बाणी कहिंदी है लोभी जंत ना जानकी पाख अपाख सब खाए। जेड़ा लोभी जंत है वह चंगा माड़ा जिहड़ी नहीं चीज खाण वाली उसनों भी खा जांदा के। साहब जी आखते ने कि जेड़ा लोभ है लोभ बंदे नूं मार दिंदा के। साहब जी कृपा रहमत करन सानू किते इस लोभ दे विचों बचा लैन यही गुरु दे अगे अरदास बेनती।